काम की बात करते हैं दूसरी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सी पॉइंट हो रहा है वो है कि भाई ऑप्टिकल एक्टिव है। मैं कह रहा हूँ भाई चिल्ला चिल्ला के ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। क्यों भाई ऑप्टिकल एक्टिव है? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग है। लेकिन किसी ने मेरे से कहा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का चारों वैलेंसी से क्या रिलेशन है, क्या होता है भाई, हमें तो ये नहीं मालूम कि ये क्या है रोटेशंस वगैरह। सुनना मेरी बात, सबसे पहले उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो अगर ये सनलाइट है तो सनलाइट इस तरह से होती है भाई। मैं ऐसा सनलाइट को सुदर्शन चक्र जैसा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि सनलाइट हर डायरेक्शन में जाती है, ऐसे भी जाती है मेंढक की तरह, और ऐसे भी जाती है सांप की तरह, और ऐसे भी जाती है चमगादड़ की तरह, ऐसे भी जाती है चिड़िया की तरह, हर तरह से जाती है। तो ये जो चीजें घूम रही है हर डायरेक्शन में घूम रही है, हाँ या ना? तो जब इसको निकोज प्रिज्म से निकाल देते हैं, किस में से? निकोज प्रिज्म से, तो अब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में हो जाती, कोई भी एक, ये या ये। क्यों? क्योंकि निकोज प्रिज्म एक गेट का काम करता है, बाकी की लाइटों को रिफ्लेक्ट कर देता है और सिर्फ एक को जाने देता है। जैसे इस दरवाजे का काम करेगा, ये गेट का मतलब दरवाजा, इस रूम के अंदर दरवाजा का काम करेगा, ठीक है। जैसे बहुत भीड़ आएगी तो वही आदमी जा पाएगा जो सीधा जा रहा है, और गेट में से कोई लेटता हुआ जा रहा है तो दरवाजा उसे क्या कर देगा, रोक देगा। भाई वही जाओ जो सीधा उस दरवाजा, और पतला है बहुत दरवाजा, समझ रहे हो? तो जो सीधा खड़ा होके जाएगा वही निकल पाएगा। तो वही चीज निकल पा रही है, ये निकल पा रहा है, बाकी नहीं निकल पा रहा। अब ये क्या हो गई पोलराइज, इसको क्या बोलेंगे? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल लाइट। इसको निकोज प्रिज्म। प्रिज्म, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम इसको पानी में मिला के, सॉल्वेंट में तो मिलाना पड़ेगा, पानी या बेंजीन कोई भी सॉल्वेंट में मिलाया, मिला के रख देंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, ओए का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। फिर अब जब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से लाइट गिरती है तो वो किसी और डायरेक्शन में मूव हो जाती है, ये इसकी खास बात है। तो वो उसका रोटेशन एंगल कहलाएगा, यानी अगर वो इस तरह से हो जाती है तो ये बताता है कि ऑप्टिकल एक्टिव है, और अगर वो ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, तो वो बताता है ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है कंपाउंड, और अगर ये ऐसे होती है तो भी बताएगा ऑप्टिकल एक्टिव है, कोई डाउट नहीं है, पक्का। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव को बताते हैं और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव को। ये किस एंगल पे आ रहा है? थीटा। तो ये किस एंगल पे आएगा? माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको ये प्लस थीटा दिख रहा है या माइनस थीटा दिख रहा है? आपको प्लस दिखेगा तो मुझे माइनस दिखेगा, आपको माइनस दिखेगा तो मुझे प्लस दिखेगा, रिलेटिवली। लेकिन चलो अपन दोनों ऐसे देखते हैं, है तो रिलेटिव, लेकिन अपन दोनों इधर से देखेंगे, आप दोनों एक तरफ से देखेंगे, तो अपन को क्या दिखाई दे रहा है? प्लस। तो इसको अपन बोलेंगे डेक्स्ट्रो। और अब दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में, ये डेक्स्ट्रो हुआ तो ये क्या हो गया? लीवो। तो हमेशा डेक्स्ट्रो कौन होता है? जिसको पहले वाले को बोल दिया डेक्स्ट्रो, वो डेक्स्ट्रो, तो दूसरा अपने आप लीवो हो जाता है, और पहले वाले को लीवो बोल दिया तो दूसरा क्या हो जाता है? डेक्स्ट्रो। सपोज मैंने इसको डेक्स्ट्रो बोल दिया, समझ में आया? तो इसका जो एनाइशोमर्स होगा अपन पढ़ी चुके, अब वो क्या हो जाएगा? लीवो। और अगर पहले वाले को लीवो बोल दिया होता तो इसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। समझ में आ रहा है? तो मैंने अगर इसको डेक्स्ट्रो बोल दिया तो इसको क्या बोलूंगा? लीवो। और इसको लीवो बोल दिया तो इसको क्या बोलूंगा? डेक्स्ट्रो। तो बताओ ये एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन है या रिलेटिव? रिलेटिव, ठीक है। आपने इसको क्या बोला, बोलो जल्दी से, क्या बोला? क्लॉकवाइज। आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया, ठीक है ना? तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपके लिए? क्लॉकवाइज। जो चीज मेरे लिए अलग हो सकती है आपके लिए अलग हो सकती है, और हम हो सकता है दोनों एक साथ देखें, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना? तो दोनों के लिए हो सकता है। तो ये कोई, ये कौन सा रिलेटिव चलता है? रिलेटिव नेमिंग या रिलेटिव सिस्टम, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रोटेशन एंगल है, रोटेशन एंगल दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला, इसमें उसकी कंसंट्रेशंस क्या है। दूसरा, इस पोलारी मीटर में ये जो कांच की ट्यूब है,
इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं पोलारीमीटर, और ग्लास ट्यूब की लेंथ क्या है, एल। बोलो यस और नो, प्रोपोर्शनल होता है। और अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो आप जानते हो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। क्या ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल क्या है। जैसे ये रेड की जगह आपने ग्रीन लगा दिया होता तो कौन सी चीज चेंज हो रही होती? सी, सपोज सी भी सेम होता, एल भी सेम होता, लेकिन थीटा नॉट चेंज हो जाता। तो थीटा नॉट किस पे डिपेंड करेगा? इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशंस। रोटेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर ये कोई कंपाउंड है, सपोज कोई कंपाउंड है उसके लिए 100 है, जैसे डी ग्लूकोज, ग्लूकोज है उसके लिए रोटेशन एंगल 100 है, तो वो इंडिया में भी 100 होगा, यूएसए में भी 100 होगा। थीटा नोट की वैल्यू पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिए क्या सेम होगी? नहीं, अलग होगी थीटा नोट की वैल्यू। ठीक है, तो थीटा नोट की वैल्यू सपोज 100 है, इंडिया में भी 100 रहेगी, अमेरिका में भी 100 रहेगी। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में भी कर रहा हूं तो जरूरी नहीं उनकी एल सेम हो या सी सेम हो। सी अलग हो गई, एल सेम होते हुए भी तो भी थीटा की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। तो एक ही कंपाउंड के लिए थीटा की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती, लेकिन एक ही कंपाउंड के लिए थीटा नोट की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो मैं आसान भाषा में यही बता रहा हूँ, थीटा नोट की वैल्यू एक ही कंपाउंड के लिए क्या रहेगी? सेम। कुछ समझ में आया लॉजिकली? थीटा एक ही, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में, एक ही कंपाउंड के लिए थीटा नोट तो सेम होगा लेकिन थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है अलग अलग कंसंट्रेशन पे। ये नोट डाल देना अपनी लैंग्वेज में। और थीटा नोट की वैल्यू निकालनी है तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, थीटा डिवाइडेड बाय सी और एल का करना पड़ेगा डिवाइड। सी, ये सी यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन। एल यहां पर क्या है? लेंथ। अब मुझसे किसी ने ये डिस्कस किया कि सी कंसंट्रेशन है, किस में लेना चाहिए, मोलरिटी में, मोल फ्रैक्शन में, नॉर्मलिटी में, किस में ले? तो यहां ये बहुत पुराना है, जब मोलरिटी नहीं चलती थी तो कंसंट्रेशन लिया इन्होंने, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल में। अब शुरुआत में ग्राम पर एमएल ले लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सारे सब्सटेंस के लिए थीटा नोट निकाल दिया, तो बार बार कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, तो थीटा नोट उसकी ग्राम पर एमएल में, और एल उस वक्त लिया इन्होंने डेसीमीटर में। डीएम का मतलब डेसीमीटर। डेसीमीटर जानते हो, 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपको डेसीमीटर जानते हो कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर आपको 100 सेंटीमीटर दी है, इसकी कितनी दे रखी है? 100, तो बताओ एल की वैल्यू क्या होगी? 100 या 10? 10 होगी, सेंटीमीटर दी है। और अगर 10 डेसीमीटर दे रखी है तो 10 होगी, और 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो एल की वैल्यू क्या होगी? 1। 10 का डिवाइड जाएगा बेटा, ठीक है ना? 10 डेसीमीटर दे रखा है तो 10, और 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो 1, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मैंने ये हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो बताओ एल की वैल्यू क्या होगी? 1.5 नहीं बोल सकते डायरेक्ट, ठीक है ना? 1.5, कोई डाउट? तो कितना इजी है। 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो एल की वैल्यू 2। अगर कंसंट्रेशन 100 ग्राम पर लीटर दे रखी है तो 0.1 डिवाइड पर 1000, क्योंकि आपको किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम पर एमएल। तो ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा, अगर आपने खुद कर लिया तो इससे आसान कोई भी चीज नहीं है, और नहीं कर पाए तो इससे खराब भी कोई चीज नहीं है। करें आप, तो चलिए अमन ने छोटा सा पढ़ लिया पीओएस सीओएस वाला कंसेप्ट कि कौन सा ये है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन पढ़ लिया कि रोटेशंस कैसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे यहां पर दो लॉजिक है, पहला हम तीन केस करेंगे, केस स्टडी। फर्स्ट केस स्टडी क्या कहता है इसके लिए, सोच के देखो। पहला केस स्टडी क्या कहेगा इसके लिए कि हाँ, क्या आप इसके लिए थीटा बता पाओगे अगर आपको थीटा नोट दे दिया जाए? चलो इस पे थीटा की वैल्यू होगी, आपने लिखा थीटा नोट मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय सी। ये है पहला केस स्टडी।
इसके लिए आप क्या रहेगा एग्जांपल, कैलकुलेट रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल इफ कंसंट्रेशंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज दे दिया, ग्लूकोज एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इज 100 ग्राम पर एमएल एंड लेंथ ऑफ पोलारीमीटर ट्यूब, आप डायरेक्ट ट्यूब ही लिख सकते हैं, इज 20 सेंटीमीटर एंड थीटा नॉट, इसमें टेम्परेचर भी मेंशन कर दे तो बहुत अच्छा लगता है, भले वो कुछ भी लिख दे, 300 केल्विन पे दे दिया, ठीक है, केल्विन ऊपर लिख दो, इज आपको दे दिया प्लस 120। मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मुझे बस ये दिया गया है सॉल्यूशंस, मुझे एक ही फॉर्मूला याद है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट सी मल्टीप्लाई बाय एल। क्या आपको मालूम है थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा नॉट की वैल्यू 120 रखेंगे या नहीं रखेंगे, सी की वैल्यू क्या रखेंगे आरती, सी 100 ग्राम पर एमएल तो 100 ही रखनी पड़ेगी, कोई डाउट, और सी की वैल्यू क्या रख, वो एल की वैल्यू है 100 और यहां पर क्या रहेंगे 2, तो जो भी आए वो आपका हो गया पक्का। लेकिन ये जनरली इतना नहीं रखते, ये 100 ग्राम पर लीटर लग दीजिए, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 0.1 लीटर है, मिलीलीटर में चेंज करोगे, और ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 2, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24, कोई दिक्कत ही नहीं हुई मुझे पक्का, आपको भी आ गया, तो 24 डिग्री आ जाएगा आंसर, इस जगह कितना आएगा 24 डिग्री। एक और एग्जांपल, यहां उल्टा दे दिया जाए, कैलकुलेट थीटा नॉट कैलकुलेट इफ रोटेशन एंगल इज 120 ऑन 100 सेंटीमीटर नहीं 100 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज कंसंट्रेशन एंड इफ लेंथ एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है थीटा या थीटा नोट, थीटा नोट, तो अब आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थीटा नॉट इक्वल टू थीटा बाय सी एल, अब यहां थीटा बाय सी एल आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 120, सी की वैल्यू बोलो जल्दी से, सी की वैल्यू 0.1 और एल की वैल्यू 2, अगर यहां 2 सेंटीमीटर होता तो ये कितना हो जाता 0.2 हो जाता, तो बताओ कैसे काटू मैं 6 बार 60 600, तो ये 600 का मतलब क्या हो जाएगा लास्ट कितना आएगा 360 घुमा दो, फिर 360 फिर 360, तो लास्ट में जो एंगल आएगा वो आंसर होगा इसका, 360 एंगल क्या होता है 360 घुमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर माइनस नहीं बस एक ही बार घूमेगा, तो 4 और ये कितना आ जाएगा 5 बचेंगे ना, 5 में से 3 240 प्लस के ये आएगा आंसर आपका, या तो 600 लिख दो या फिर 240 भी लिख सकते हो, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, क्या इसके बाद 360 घुमा सकते हो, नहीं, अगर घड़ी की सुई 360 घूम जाती है तो आपको क्या लगता है घूमी नहीं है बंद है, फिर 360 घूम गई फिर भी लगता है बंद है, फिर उसके बाद 10 घूमी तो नेट तो 360 प्लस 360 प्लस 10 है, लेकिन आपको क्या फील आएगा 10 का, तो ये IQ है, मैं नहीं भी बोलता ना तो भी आपको खुद को यही करना पड़ता कि सर आपने नहीं बताया, ऐसा नहीं है, आपको खुद के दिमाग से करना होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केस स्टडी सेकंड, रोटेशन एंगल फॉर मिक्सचर, अभी तक तो हम एक ही की बात कर रहे थे, रोटेशन एंगल फॉर मिक्सचर किसके लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं बोलो बोलो, मिक्सचर के लिए, मतलब अब आपने क्या करा, जैसे ध्यान से सुनना, ए बी
सी ए बी सी डी सी डी, ये एक दूसरे के क्या है, सी और डी ये एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल या एनाइशोमर्स है? एनाइशोमर्स श्योर है, पक्का एनाइशोमर्स है। और अगर ये एक दूसरे के एनाइशोमर्स हैं तो मान लीजिए अगर ये 100 घुमा रहा है तो ये कितना घुमाएगा, माइनस हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। मान लीजिए ये एक्स परसेंट है, ये कितना है एक्स परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा टफ कर देता हूं मैं। मान लीजिए इसके एक्स मोल है और इसके वाई मोल है, परसेंटेज है जो भी है, तो मेरे लिए एक चीज होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा, परसेंटेज में है तो, अमाउंट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, परसेंटेज में एक्स प्लस वाई कितना होगा 100 हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई कितना होगा, ध्यान से सुनना, एक्स माइनस वाई अगर हमसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा थीटा ऑब्जर्व अपॉन थीटा स्पेसिफिक मल्टीप्लाई बाय 100, समझ में आ रहा है, ये ऑब्जर्व प्रैक्टिकल एंगल होगा, ये ऑब्जर्व प्रैक्टिकल होगा और ये स्पेसिफिक होगा। सोचो अगर इसने 100 घुमाया, इसने माइनस 100 घुमाया और दोनों 50-50 है, तो एक्स माइनस वाई कितना होगा, जीरो, कितना होगा जीरो, तो ये ऑब्जर्व एंगल कितना होगा जीरो, समझ रहे हैं आप। एक घुमाएगा सो यूं, दूसरा वाला कहेगा सो यूं, यानी इस ट्यूब में अपनी जो पोलारीमीटर ट्यूब है उसमें दोनों मॉलिक्यूल है, एक इधर घुमाएगा एक इधर घुमाएगा, नेट गाड़ी किधर घुमेगी, सीधी चलेगी। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बेटा, स्पेसिफिक मैं दे दूंगा, देखते हैं एक बार एग्जांपल से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। भाई आपको ये कहा जा रहा है क्वेश्चंस में कि आपके पास दो तरह के ग्लूकोज हैं, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। मान लीजिए इसका प्लस 100 है, इसका माइनस 100 है, मान लीजिए ये 40% है, ये कितना है 60% है, ठीक है। तो आप बताइए ये क्या दिया है आपको, थीटा नोट दिया हुआ है इसका, ये क्या दिया हुआ है, थीटा नोट दिया हुआ है इसका, दोनों का थीटा नोट दे दिया, एक का 100 है तो दूसरे का माइनस 100 आएगा, आएगा नहीं आएगा क्या, बोलो हाँ। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वास्तव में ये 40% में रखा जाता और ये 60% में रखा जाता, एक 40% रखा जाता और एक कितना रखा जाता 60%, तो बताओ यहां पर ऑब्जर्व एंगल कितना आता, थ्योरिटिकली प्रैक्टिकल करता तो मेरे को पता है क्या लगता, कि मुझे ऐसा लगता कि क्योंकि ये ज्यादा है 100 ज्यादा है, ये घुमाएगा प्लस की तरफ, ये घुमाएगा माइनस की तरफ, तो मैंने अपनी तरफ से दिमाग लगाया ये इधर जाएगा, ये यहां आ गया, माइनस जाएगा नेट एंगल। 40 जने तो घुमा रहे इधर और 20 जने घुमा रहे, 60 जने इधर घुमा रहे, तो कुल मिला के तेरे 40 मेरे 40 खत्म, बचे कितने 20, तो वही डिसाइड करेंगे, इसलिए मैंने एक्स माइनस वाई लिख लिया, सही है भाई, तेरे 40 ने इधर घुमाया स्टेरिंग, मेरे 40 ने इधर घुमाया खत्म, अब बचे मेरे पास 20 ज्यादा है तो मेरा 20 डिसाइड करेगा, और वो डिसाइड करेगा तो फिर वो नेट कितना बनेगा, इस एक्स माइनस वाई की जगह थीटा ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय जो मेरा है थीटा स्पेसिफिक मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे बना ये फॉर्मूला, कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप मान के चलो 60 माइनस 40, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन किसी को भी एक्स बना सकते हैं, तो जैसे ही 60 माइनस 40 करा तो ऑब्जर्व हमें निकालना है, क्योंकि जो ज्यादा है वही यहां आएगा, उसी को एक्स माना है आपने जो ज्यादा, तो कितना आ रहा है माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 100,
थीटा ऑब्जर्व कितना हो जाएगा आपके पास, -20। ये तो हमें पहले ही मालूम था माइनस होगा, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई मेरे को। आ रहा है बात समझ में? तो ये ऐसे लॉजिक बना है। बात करते हैं रेसेमिक मिक्सचर की। इधर देखो, रेसेमिक मिक्सचर करें। देखिए, यदि कोई कंपाउंड है ए बी सी डी, ए बी डी और सी, मान लीजिए ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो पहले तो ये देखो क्या ये इक्वल अमाउंट में है। हाँ, इक्वल अमाउंट। दूसरा, क्या ये एनाइसोमर्स है? हाँ। जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में है तो ये पक्का क्या कहलाएंगे, नेट रोटेशन क्या होगा इसका, रोटेशन क्या होगा, ऑब्जर्व जो भी ऑब्जर्व आ रहा है या थियोरिटिकल, वो कितना आएगा? जीरो, 0 डिग्री आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? जीरो। एक तो ये हो गया। दूसरा, परसेंटेज ऑप्टिकल प्रायोरिटी वो होती है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और एक्स जो बड़ा है वो लिया जाता है, ये हमेशा मोड में बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, और परसेंटेज एक और होता है एनाइसोमेरिस, नहीं परसेंटेज रेसेमिक, वो होता है 100 माइनस ऑप्टिकल प्योरिटी। तो सपोज आपके पास डेक्स्ट्रो और लीवो है, मुझे बस आंसर दो परसेंटेज ओपी की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 100 है ये 0 है, बताओ ये कितना होगा? एक ही एनाइसोमर्स है 100%, क्योंकि 100 ही है, उसको हराने वाला नहीं, वो घुमा है जितना ही घूमेगा, अगर उसने 120 घुमाया तो 120 ही घूमेगा। और रेसेमिक कितना हो जाएगा? 0। मान लीजिए ये 70 है और ये 30 है, मान लीजिए ये 50-50 है ऑप्टिकल प्योरिटी, तो रेसेमिक, मान लीजिए ये 30, ये 20 और ये 80 है, 60-40, मान लीजिए ये 0 और ये 100 है, 100 प्योरिटी और 0। अगर दो एनाइसोमर्स में से एक एनाइसोमर्स 100% है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 0 होगा, और इसको बोलेंगे प्योर ऑप्टिकल एक्टिव। रेसेमिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्या हुई आप तक जो आपने पढ़ा है, क्या रहेगा? एन इक्वल अमाउंट मिक्सचर ऑफ एनाइसोमर्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल, नहीं इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर एंड कॉल्ड रेसेमिक। सही है? तो ये तो रहा हमारा रेसेमिक मिक्सचर की डेफिनेशंस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपन ने बहुत अच्छे से लिख लिया।